Yes, hello everyone, class. Today we will discuss a problem related with a boat and currents. That is the part two. पिछले दो तीन क्वेश्चन मैंने लास्ट में करा था लास्ट वीडियो में. आज कुछ डिफरेंट टाइप्स का और भी प्रॉब्लम्स है. A man rowing at a rate of 5 kilometers an hour in still water takes a thrice as much as the time going 40 kilometer up the river as in going 40 kilometer down. Find the rate at which the river flow. किस रेट से रिवर फ्लो कर रहा है क्लास? तो रेट किस रेट से, ये थोड़ा डिफरेंट है. जो अभी हमने लास्ट वीडियो में जो करा उससे थोड़ा डिफरेंट है क्लास क्वेश्चन. लेट रिवर फ्लोज x किलोमीटर. रिवर फ्लो का मतलब आप दूसरा कुछ नहीं, रिवर फ्लो करेगा तो करेंट ही होगा ना. तो करेंट का ये स्पीड है ना, करेंट का स्पीड है क्लास. नेक्स्ट वाइज कहता है कि इट विल अ मैन रोइंग एट रेट ऑफ 5 किलोमीटर एन आर और स्टिल वाटर में जो है ना, इन स्टिल वाटर. तो स्टिल वाटर स्पीड ऑफ मैन 5 किलोमीटर पर आर है क्लास. 5 किलोमीटर पर आर इन अ स्टिल वाटर. अब इसमें यस क्लास, नाउ इन अ स्टिल वाटर स्पीड ऑफ मैन 5 किलोमीटर. अब इसका 5 किलोमीटर है स्टिल वाटर में. आफ्टर दैट व्हाट वी विल डू इन अ अपस्ट्रीम मैन स्पीड इन क्या कहता है, गोइंग 40 किलोमीटर अप स्पीड इन अप में क्या होगा क्लास, अपोजिट होगा. तो स्पीड अ मैन स्पीड इन अप स्ट्रीम अप रिवर है ना, अप रिवर में क्या हो जाएगा, 5 - x किलोमीटर पर आर. एंड कहता है डाउन एट रेट मैन स्पीड इन डाउन रिवर है ना, डाउन रिवर, रिवर बोले या स्ट्रीम बोले बात क्लास सेम है, 5 + x किलोमीटर पर आर. कहता है इन अ फाइव आवर्स इट इन स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम्स इन गोइंग टू 40 किलोमीटर अप द रिवर. कहता है थ्री टाइम्स अप. तो टाइम्स फर्स्ट ऑफ ऑल टाइम वी विल फाइंड टाइम इक्वल टू टाइम इन अपस्ट्रीम अप रिवर में कितना टाइम लगेगा, 40 / 5 - x एंड टाइम टेकन इन डाउन रिवर में कितना लगेगा क्लास, ये डाउन रिवर में कितना, 40 / 5 + x आवर्स. यहां भी इतना लगेगा क्लास. नाउ व्हाट यू विल डू, जस्ट कंपेयर कि इट विल इन अ स्टिल वाटर टेक्स थ्राइस, इन अ स्टिल वाटर टेक थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप द रिवर एज इन गोइंग डाउन द रिवर. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 40 / 5 - x जितना टाइम लग रहा है उससे ज्यादा इसमें लगे. तो
थ्री टाइम्स कौन होगा? कहता है टेक्स थ्राइस एज मच एज टाइम इन गोइंग 40 किलोमीटर अप, गोइंग 40 किलोमीटर अप, 40 किलोमीटर अप, जितना 40 किलोमीटर में अप में जाने में लगता है उससे थ्राइस टाइम लगता है ना, ये तो कम टाइम इसमें लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा क्लास, तो थ्राइस कौन सा होगा? ये तो ये दोनों टाइम्स को मैंने इक्वल करने के लिए थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया। आफ्टर दैट व्हाट यू विल डू, जस्ट टेक अप 40 अपॉन 5 माइनस एक्स इक्वल टू 40 इंटू 3 अपॉन 5 प्लस एक्स। क्लास देखो ये 40 और ये 40 दोनों ऊपर ऊपर है, कट जाएगा। एंड आफ्टर दैट 1 अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 3 अपॉन 5 प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी विल डू इट, 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस एक्स। नाउ 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 15 माइनस 3x, 15 माइनस 3x। नाउ क्लास x प्लस 3x इज इक्वल टू 15 माइनस 5, और ये कितना हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 10, एंड क्लास x इज इक्वल टू 10 अपॉन 4, 5 टू जा 2 टू जा 5 अपॉन 2, इट मीन्स 2.5 किलोमीटर पर आवर्स इसमें लगेगा, इसकी जो होता है फ्लो जो है वो 2.5 किलोमीटर में। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट था, हम लोग बार बार सोच रहे थे यही कि वन वेरिएबल टू वेरिएबल टू वेरिएबल, यहाँ देखो वन ही वेरिएबल पर सॉल्व हो गया क्लास, है ना। सो है ना, दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना, यू विल केयर इट क्लास। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इट। यस क्लास, नाउ इट इज सेइंग अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, है ना, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स। कितने 10 आवर्स में? इन 13 आवर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास सेम थिंग्स जैसे हम लोग पहले सॉल्व कर रहे थे, लेट लेट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम स्ट्रीम बी एक्स किलोमीटर पर आवर, है ना, स्ट्रीम 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 ले या फिर स्टील वाटर, कोई नहीं दोनों में तो कुछ नहीं ले सकते हैं क्लास, ऐसे ले लेते हैं इसका स्पीड ऑफ बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट बोट इन स्टील स्टील वाटर स्टील वाटर x किलोमीटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम स्ट्रीम बी बाय किलोमीटर पर आवर, जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही करते हैं प्लान। नाउ अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा? स्पीड इन अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम प्लस यू वेल नो अप स्ट्रीम मीन्स माइनस होगा एक्स माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और डाउन स्ट्रीम स्पीड इन डाउन स्ट्रीम क्या होगा? दैट विल बी x प्लस y किलोमीटर पर आवर। और क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाते हैं एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स, इन बोथ इट विल टेक 10 आवर्स। तो टाइम टाइम अप स्ट्रीम में कितना लग रहा है? अप स्ट्रीम
फर्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा क्लास, 30 अपॉन एक्स माइनस वाई आस, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम में कितना होता है, सॉरी डाउन स्ट्रीम टाइम डाउन, डाउन स्ट्रीम में कितना होगा, दैट विल बी 44 अपॉन एक्स प्लस वाई किलोमीटर, सॉरी आर्स, है ना, ये हो गया। अब दोनों में टाइम क्या लग रहा है क्लास, दोनों में 30 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 आर्स, फर्स्ट इक्वेशन। मे बी सपोज दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन क्लास, नाउ सेकेंड इक्वेशन, इन अ 13 आर्स में इट कैन गोज 40 किलोमीटर, तो 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम एक्स माइनस वाई एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। दिस इज क्लास सेकेंड इक्वेशंस। अब थोड़ा रफ करना पड़ेगा, ऊपर का रफ कर रहा हूं क्लास, दिस वन, चले इक्वेशंस बनाते हैं। लेट 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू एंड 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू वी, यही है क्लास। सपोज कर लेंगे 30 u प्लस 44 v इक्वल टू 10। देखो कटता है तो यहीं पे काट लेते हैं, दो से दो कॉमन लेके 15 u प्लस 11 v सिंपली 10 हो जाएगा, 10 फाइव जा, ये होगा 15 u प्लस 11 v इक्वल टू 5, ये इक्वेशन हो जाएगा क्लास थर्ड, दिस विल बी थर्ड इक्वेशन, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया। इससे पहले नाउ वी विल मेक इक्वेशंस फ्रॉम दिस, ये कितना हो जाएगा 40 u प्लस 55 v इक्वल टू 13, ये कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है क्लास, चलो कोई बात नहीं, नहीं कटेगा तो इससे अच्छी बात है। चलिए ये हमारा हो गया फोर इक्वेशंस। नाउ क्लास व्हाट यू विल डू, प्लस प्लस साइन है, सेम साइन है और यहां 55 है, एलिमिनेशन मेथड, सब्ट्रैक्ट थर्ड इनटू 5 माइनस 4, बस ज्यादा नहीं काम नहीं करना। नाउ दिस वन 43rd में करा 75 u प्लस 55 v और 25 क्लास, है ना, एंड आफ्टर दैट आई विल राइट हियर 40 u प्लस 55 v इक्वल टू 13, नो प्रॉब्लम, माइनस माइनस दिस विल बी कैंसिल। नाउ दिस इज द 35 u और ये हो गया 3 2 5 और 1 35 सही है ना, 75 11 25 और ये 13 है। चलिए u इक्वल टू क्या आ गया हमारा 12 अपॉन 35 क्लास, u इक्वल टू 12 अपॉन 30। नाउ नेक्स्ट
वी विल फाइंड द वी वैल्यू, वी वैल्यू निकालना पड़ेगा, तो वी वैल्यू वी विल पुट द वैल्यू ऑफ इन इक्वेशंस, पुटिंग पुटिंग वी सॉरी यू वैल्यू इन इक्वेशंस किसमें रखोगे, थर्ड में रख करके देख लेते हैं, है ना। आप लोग भी देखो थोड़ा और देखे होता है या नहीं, क्लास जस्ट ट्राई इट, टेस्ट क्लास। 30u plus 44v, now we will take comma 2, this will be 15u plus 22v equal to 10, 2 5s are 10, now 15u plus 22v equal to 5 class, this is our third equations class. Now fourth equations, how you? 40u plus 55v equal to 13, ये हमारा हो जाएगा फोर्थ इक्वेशंस क्लास। नाउ हाउ यू विल सॉल्व, दिस इज द 22 और चलिए कितना से मल्टीप्लाई करूं, थर्ड इन इक्वेशंस थर्ड सब्ट्रैक्ट तो करना पड़ेगा ही, सब्ट्रैक्ट सेकेंड इंटू 5 से और माइनस 4 इंटू 2 एंड आफ्टर दैट प्लस इट विल बी 15 5 जा 75 यू प्लस 110 वी इक्वल टू 25 और दिस विल बी 42 जा 80u प्लस 110v 26 माइनस दिस विल बी कैंसिल। नाउ दिस इज द -5u और ये -1 u इक्वल टू -1 अपॉन -5 माइनस प्लस 1 अपॉन 5 प्लस। नाउ वी वैल्यू पुटिंग u इक्वल टू 1 अपॉन 5 इन इक्वेशंस थर्ड में पुट करते हैं तो 15u प्लस 22v इक्वल टू 5, 15 इंटू कितना हो गया प्लस दैट विल बी 1 अपॉन 5 प्लस 22v इक्वल टू 5, 5 3 जा 15, अब ये कितना हो गया, हाँ 22v इक्वल टू 5 माइनस 3 2 हो गया। नाउ प्लस v इक्वल टू 2 अपॉन 22, 1 अपॉन 11 प्लस x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, दिस वन x 1 अपॉन x माइनस y, u की वैल्यू कितनी है क्लास, u की वैल्यू 1 अपॉन 5 है, तो x माइनस y इक्वल टू 5 और कितना आ गया, v की वैल्यू कितनी है क्लास, यानी 1 अपॉन x प्लस y, इसको कौन सा इक्वेशन मान लू, 4 तो हो गया फिफ्थ और 1 अपॉन वी 1 अपॉन 11 यानी x प्लस y इक्वल टू 11, इसको सिक्स्थ और इसको तो निकालना बहुत ही इजी है क्लास, यू हैव ऑलरेडी फाइंड इट, आपने पहले भी निकाला है इसे, x प्लस y इक्वल टू 11, x माइनस y इक्वल टू 5, कैंसिल 2x इज इक्वल टू 16, x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू 8 होगी और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 11 माइनस 8 कर देते हैं 3 किलोमीटर पर आवर, इसका 3
ये आपका आंसर हो गया क्लास। होप सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड क्लास।